uys and pcs इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या-क्या मेथड्स -क्या होते हैं उसमें हम लोग हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से w wpi को देख लिया cpi को देख लिया अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो कि है gdp डिफ्लेटर चलो इसके बारे में बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर सबसे पहले तो एक बात आप याद रखना ये रेशियो की टर्म्स में एक्सप्रेस करा जाता है रेशियो किसका यहां पर हम दो प्रकार की जीडीपी को लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है जीडीपी को करेंट प्राइजिस पे निकालना और उसको डिवाइड करना जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस से अब ये क्या होते हैं हमने हद से ज्यादा डिटेल डिस्कशन इसके बारे में नेशनल इनकम चैप्टर में करी हुई है करेंट प्राइसेस एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस वो प्लेलिस्ट आप देखिए और जो शुरू से अगर फॉलो कर रहे हो आप क्रोनोलॉजिकली इकोनॉमिक्स की डिस्कशन को तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा ये आप चलो मान लो कि जी एट करेंट प्राइसेस और जी डी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस को हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास आ गया जी डिफ्लेटर तो अगर अगर जी डिफ्लेटर जो है अगर वो एक है तो यहां पर यह चीज इंप्लाई होती है डेट देयर इज नो चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल अगर जी डिफ्लेटर अगर अपना वन निकला देर इज नो चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल्स क्या हम ये कह सकते हैं कि जी डिफ्लेटर अगर वन हो इन्फ्लेशन बढ़ी है इन्फ्लेशन कम हो गई है नहीं ना जो चीज चल रही है वो ही चलती रहेगी ना तो यह क्या इंप्लाई करता है कि प्राइजेस की टर्म्स में इकोनॉमी में क्या है प्राइजेस की टर्म्स में इकोनॉमी में क्या है स्टैग्नेशन अरे इक्लिब्रियम नहीं इक्लिब्रियम कंडीशन होती ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर <laughs> वो एक अचीवेबल थिंग होती है ठीक है जिसने को इक्लिब्रियम आ गया ना तो तुम्हारे मेरे शाइनी एयर पे सबके खातों में पांच पांच करोड़ रुपए नजर आएंगे <laughs> तो अगर जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा वो क्या कहते हैं वन से ज्यादा हो तो ये क्या अप्लाई करता है डेट देयर इज इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल्स और अगर कम हो एक से तो अगर वो एक से कम हो तो ठीक है तो यानी कि हमें यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई किसमें दिखती है जब जीडीपी डिफ्लेटर कम हो एक से या फिर ज्यादा हो ज्यादा तो एस मेजर एस कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर दोस्तों एक बेटर मेजर होता है महंगाई को नापने के लिए एक अच्छा मेथड माना जाता है क्यों माना जाता है अच्छा मेथड डब्ल्यू पी में तो इतनी सारी कैटेगरीज थी इतनी सारी बास्केट बनाई थी हमने गुड्स की बनाई थी हमने डब्ल्यू के अंदर गुड्स के साथ साथ हमने सर्विसेज की बनाई थी सी के अंदर सी के अंदर हमने फर्दर कैटेगराइजेशन करी थी रूरल एरियाज के अंदर अर्बन एरियाज के अंदर लेकिन फिर भी ये जी डिफ्लेटर को ऐसा क्यों देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो यहां पर यह है मतलब यहां जो मर्जी लिखा है वो तो चलो ठीक है वो हम पढ़ लेंगे थोरेटिकली लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंगल शाइनी ये होता है कि हम करंट और कांस्टेंट प्राइजेस पर ना जो जीडीपी डी को निकाल रहे हैं ना तो वो एक प्रकार का जीडीपी का डायरेक्ट सिग्नल है जिसके अंदर ऑलरेडी सारी चीजें गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड हो गया है और गुड्स एंड सर्विस तो छोड़ो जितनी चीजें एक नेशनल इनकम का जीडीपी का पार्ट बन सकता है घुमा फिराकर माइक्रो से लेकर माइक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक वो सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है क्योंकि इट टेक्स इनटू टू अकाउंट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमी क्यों क्योंकि जीडीपी तो से ना, ना? इन्हीं की डिविजन से निकला है लेकिन उसके अंदर हम ये चीज नहीं भूल सकते अर्पित जी डी का एक बहुत बड़ा एक शेयर हमें एक पार्ट हमें देखने को मिलता है जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर जबकि डब्ल्यू पी आई और सीपीआई के अंदर ऐसा नहीं है कि उससे हमें एक जी डी पी का कोई कैलकुलेशन देखने को मिलता हो राइट शाइनी ईशा राइट ठीक है बट स्टिल इट इज नॉट यूज टू फ्रेम शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी अगर हमें शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको टारगेट करने के लिए कोई पॉलिसी बनानी है और यह पॉलिसी जनरली मॉनिटरी पॉलिसी होती है और यहां पर किसकी बात चल रही है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पॉलिसी मेकिंग जर्नली आरबीआई ठीक है क्योंकि यहां पर जीडीपी रिलेटेड डेटा जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता मंथली बेसिस पर बस ये दिक्कत है इसकी क्यों नहीं होता क्योंकि जीडीपी एक देश की क्या मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होती है बताओ मुझे जरा नेशनल इनकम वगैरह का, का कंसेप्ट ये सीखा था मंथली बेसिस पर डेटा आते हैं हमारे पास नहीं ना कब आते हैं जनरली मतलब मिनिमम टाइम फ्रेम क्या होता है भूल गए चार क्वार्टर अरे ब... यार क्वार्टर बनाकर एक बनता है ना ईयर हमारा तो ये क्वार्टर जैसा कि मैंने बताया था उस दिन अभी कुछ लेक्चर्स पहले शाइनी के हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पूरे 2022 साल साल का ना हो डेटा क्योंकि हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर का नहीं निकला हो बहुत सारे सेक्टर्स का डेटा है ना कंपाइल करने में टाइम निकलता है ना तो आप समझ गए ना अगर ऐसा होता तो इकोनॉमिक सर्वे फिर अपने टाइम के हिसाब से निकलता कि जब हम निकाल लेंगे फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा दो हजार बाईस का डेटा लेकिन हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ही मुझे बताओ हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सब बताओ कि इकतीस दिसंबर को साल खत्म हो और इकतीस जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे जो आ रहा है वो उसके दो हजार बाईस की सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा दिसंबर तक की पॉसिबल है क्या क्या हमें एक एक सेक्टर एक एक चीज ये तो अभी आया भी नहीं है लेकिन पूरी कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं अर्पित बताओ क्या 2022 के 31 दिसंबर तक सारी चीजें एक एक सेक्टर ए टू जेड अवेलेबल होगा क्या 31 जनवरी के अंदर आने वाले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नहीं ना एक मेजर पोर्शन जो लैक करेगा शाइनी वो कौन से क्वार्टर का करेगा क्यू जिसको कहते हैं ना और ये क्वार्टर वाली डिस्कशन भी हम जानेंगे अखबारों के रिसेंटली uh, गवर्नमेंट uh, ने आरबीआई ने या फलानी मिनिस्ट्री ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए इस चीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस कर दिए इस चीज के उस पर काफी दिन तक एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह ये सब आता रहता है ना? क्योंकि जब वो डेटा आता है ना तो कंपेरेटिव एनालिसिस प्रीवियस डिकेड्स प्रीवियस ईयर दूसरे से उसको कंपेयर करना पैसा क्या बड़ा है क्या खर्च हुआ है क्या इस एलोकेशन जो करा गया है वो किस बेसिस पर करा गया है क्या बेनिफिशरीज को टारगेट मिला है जो टारगेटेड बेनिफिशरीज है उनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है बहुत सारी डिबेट ऐसे छट जाती हैं हमारी वो डिबेट्स और क्या कब क्या निकले ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारी ये स्टैटिक पोर्शन की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बस इस वजह से नहीं करा जा सकता है इसको क्योंकि मंथली बेसिस पर हमारे पास देश में जीडीपी का डेटा नहीं रहता है ना जीडीपी एट करंट प्राइजेस ना जीडीपी एट कॉन्सेंट प्राइजेस का डेटा ही मिनिमम जो हमारे पास अवेलेबल रहता है वो क्वार्टर का रहता है और क्वार्टर का भी ऐसा नहीं रहता है कि जनवरी से मार्च तक का एक क्वार्टर अगर कंप्लीट हुआ तो इकतीस मार्च को वो डेटा आ जाएगा अगला क्वार्टर के खत्म होने तक हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर का डेटा हो आए हमारे पास राइट सैनी कंपाइलेशन में टाइम लगता है कि नहीं लगता है अब बात करते हैं एक कंसेप्ट की दोस्तों अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसके बारे में स्टूडेंट्स जनरली हो सकता है सुन रखा हो स्टूडेंट्स ने लेकिन मोर देन फिफ्टी स्टूडेंट्स तो पीपीआई को भी नहीं जानते हैं सीपीआई तो सुन रखा होता है कंसेप्ट नहीं जानते हैं डब्ल्यू सुन रखा होता है कंसेप्ट नहीं जानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर सत्तर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि क्या निकालना है कैसे निकालना है अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस इन कमिंग ईयर्स ठीक है चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम उसके अंदर आप कमिंग ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इसके ऊपर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपको मेंस पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये जो फूड इंडेक्स है सीपीआई वाला या डब्ल्यू वाला जो फूड इंडेक्स है या एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एफ का फूड इंडेक्स है उसकी तरफ फालतू तो इंडेक्स नहीं है तो इसको यहां क्यों नहीं डाला गा? हमने हमने इसको इस कंटेक्स में क्यों नहीं पढ़ा मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन डब्ल्यू पी आई की बात हो रही है सीपीआई की बात हो रही है तो पीपीआई भी लिख देते हैं यहां पर देखो जो सीपीआई और डब्ल्यू पी आई है ना यहां पर जनरली किसके एंगल से इन्फ्लेशन मेजर कर जाती है इन्फ्लेशन देश में गुड्स एंड सर्विसेज का महंगा होना इसका इंपैक्ट किसके नजरिए से हम लोग देख रहे थे कि महंगी चीजें किसके लिए हुई है और पीपीआई की फुल फॉर्म अगर आप एक्सपेंड करो तो उसमें क्या वर्ड दिख रहा है पहला पी क्या है और एक बात बता दूं जरा शायनी अगर भयंकर लेवल पे अगर किसी एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा ना अगर तंग करने के लिए स्टूडेंट्स को तो वो कंपैरिजन भी करवा सकता है पीपीआई, पी और सीपीआई की आधे स्टूडेंट्स तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद ये प्रण ले लेंगे कि हम यूपीएससी मटेरियल नहीं है हम नहीं बने शायद से इसके लिए ये पीपीआई क्या होता है पीपीआई ना मेजर करता है प्राइस चेंजेस को फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स यानी कि प्राइस चेंजेस क्या प्राइस का चेंज होना यानी कि इन्फ्लेशन का उतना ही रहना इन्फ्लेशन का बढ़ना या इन्फ्लेशन का गिरना राइट तीन ही सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है अप डाउन और रिमेनिंग सेम प्राइजेस का हागे ना ठीक है तो पीपीआई मेजर करता है प्राइस चेंजेस को फ्रॉम द ऑफ प्रोड्यूसर्स

या जो चीज जो भी चीजें होती हैं सरकार किसकी तरफ ओरिएंट होती है किसका किस डेटा यूज करा जाता है और सीपीआई में भी किसका यूज करा जाता है सीबीआई की चार कैटेगरी में से कौन सा वाला कंबाइंड ठीक है सीपीआई जो है वो मेजर करता है प्राइस चेंजेस को फ्रॉम द कंज्यूमर्स या फ्रॉम द बायर्स एक ही बात है जबकि पीपीआई क्या मेजर कर रहा है प्राइस चेंजेस को फ्रॉम द ऑफ प्रोड्यूसर्स इसको समझते हैं कैसे आप कहोगे दिमाग में चीज आई होगी ना ईशा ये प्रोड्यूसर्स की वजह से ही तो इन्फ्लेशन हो रही है मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज वो महंगे बेच रहे हैं है ना तो इनके नजरिए से क्या फायदा है फिर अर्पित इसको इन्फ्लेशन को देखने का याद करते हैं अपनी उस वाली चीज को बेसिक डिस्कशन को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेस को या जनरली चलो गुड्स पे रहते हैं अभी अभी के लिए हमें क्या चाहिए होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर वो महंगे हो जाए तो प्रोड्यूसर के हाथ में कुछ चॉइस है क्या जिस रेंट पर आप एक चिप्स का पैकेट बना रहे हो शाइनी उसका किराया है पांच हजार महीना अगर वो पचास हजार रुपये महीना हो जाए तो जिस रेट पर आप चिप्स बेच रहे हो क्या उसी रेट पर बेचोगे क्या क्यों नहीं बेचोगे मतलब चाहती हुए भी नहीं बेच पाओगे क्यों है ना और आपका मार्जिन निकलेगा नहीं प्रॉफिट निकलेगा नहीं तो पीपीआई मेजर करता है जहां तक सुनना भी आप ये वाली बात पीपीआई मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइजेस जो कि प्रोड्यूसर रिसीव करता है फॉरेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज जिसको वो बेचता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या फिर एक्सपोर्ट के थ्रू फॉरेन मार्केट्स के अंदर भी लेकिन यहां पर ना अगेन एक चीज एक्सक्लूड वे में देखी जाती है इट एक्सक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इन्फ्लेशन इससे पहले हमने कहा देखा था कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं होती इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में नहीं देखा जाता उसका इफेक्ट ठीक है पी टेक्स इंड टू अकाउंट बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों को लेता है लेकिन फिर भी यहां पर किसका इफेक्ट एक्सक्लूड हो जाता है इंडियन डायरेक्ट तो बस यही चीज शाइनी इसको अलग बनाता है डब्ल्यू पी वरना तो पूरी डेफिनेशन सेम ही थी बस यहां पर एक ही एक ही तो बंदा अलग हुआ डब्ल्यूपीआई में कंज्यूमर इधर हो जाता प्रोड्यूसर और खेल ही खत्म हो जाता है इस कंसेप्ट की कोई डिस्कशन ही नहीं होती लेकिन यहां पर यह देखा जाता है एक प्रोड्यूसर जो है उसको क्या प्राइजेस मिल रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेस को बेचने के बाद अब वो जो एवरेज चेंज जो प्राइजेस के अंदर होते हैं जो कि प्रोड्यूसर रिसीव करेगा अब ये कैसे रिसीव करेगा मतलब जिस रेट पे वो क्या करेगा जिस रेट के अंदर वो क्या करेगा बेचेगा और उसका बेचना किसी भी गुड को किस चीज के ऊपर डिटरमाइन करता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किन चार चीजों में चेंजेस आए हो किन चार चीजों के रेट में फर्क आए हो ऑर्डर में बोलो लैंड लेबर चारों के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे तो ये वाली बात ऐड कर लेना यहां पर ठीक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाउ देयर इज अ बायस ऑफ डबल और मल्टीपल काउंटिंग इनहेरेंट अंडर डब्ल्यूपीआई यहां पर डब्ल्यूपीआई की थोड़ी मतलब वो हो रही है डब्ल्यू पी आई के अंदर एक ना हमें बायसनेस देखने को मिलती है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है हम किस कंटेक्स में बात करते थे नेशनल इनकम में बताओ इंटरमीडिएट कोर्ट ठीक है इसको अवॉइड करा जा सकता है डबल काउंटिंग जो डब्ल्यू पी आई में कभी कभार हो जाती है यूजिंग पीपीआई एक बात याद रखना अब इसकी कैलकुलेशन में हमें नहीं जाना है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग डूंग एम फिल इन इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग यहां पर ऐसा देखा जाता है कि डब्ल्यू पी आई में एक दिक्कत एक कैलकुलेशन सरकार को कभी कभार डबल काउंटिंग डबल काउंटिंग से भी ज्यादा मल्टीपल काउंटिंग की देखने को मिल जाती है यानी कि डब्ल्यू पी आई में सिर्फ क्या चीजें थी गुड्स कितने गुड्स थे बास्केट कितने की थी सिक्स नाइन सेवन कमोडिटीज की ठीक है उसकी जो दिक्कत है ना डबल और मल्टीपल काउंटिंग की वो पीपीआई सॉल्व कर देता है कैसे मुझे नहीं लेना देना उससे कुछ मैं एम और पी करने नहीं आया हूं पर मुझे ज्ञानी नहीं बनना मुझे एग्जाम निकालना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के अंदर बीएन बीएन गोल्डर कमिटी बनाई थी यह एग्जामिन करने के लिए नॉट पीपीआई शुड रिप्लेस दूपी और उसके लिए एक मेथोलॉजी सजेस्ट करने को बोली गया था इस कमेटी को क्योंकि एक बार बताओ ना शहनी जब डब्ल्यूपीआई में दिक्कतें हैं और उसको उसकी दिक्कतें पीपीआई ठीक कर रहा है तो डब्ल्यू को खत्म कर दो और पीपीआई को ले आते हैं तो हमारे देश में तीन मेथड्स तो हो जाएंगे इन्फ्लेशन को देखने के एक प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से पीपीआई आ जाएगा जिसके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड है अच्छी बात ही होगी सीपीआई तो है ही ठीक है जो रूरल अर्बन को देखेगा और जी डी डिफ्लेटर है जो कि पूरी जीडीपी को देख लेगा बस उसकी दिक्कत यह है कि वो मंथली बेसिस पर रिजल्ट नहीं दे पाएगा वो मिनिमम क्वार्टरली या फिर एक साल का टाइम फ्रेम तो लगाएगा ही लगाएगा ठीक है इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए फ्रॉम डब्ल्यू पी आई टू पीपीआई एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कि देख लेते हैं क्या इससे इस, इस मतलब अगर हम इस मेथड को अपनाते हैं पीपीआई को इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए और डब्ल्यूपीआई को टोटल तरीके से बर्खास्त करते हैं और डब्लूपीआई को हटाना भी तो ठीक है ना फिर बताओ ईशा जब डब्ल्यूबीआई को तो सरकार वैसे भी यूज नहीं कर रही, कर रही है सीबीआई की तरफ ही रिलाई कर रहे हैं तो डब्ल्यूपीआई में कुछ ना कुछ कमियां तो हैं और सबसे बड़ी कमी ये अरपेद कि सर्विसेज को तो देखा ही नहीं जाता है उसके अंदर और कंज्यूमर का जो इंपैक्ट निकलता है इन्फ्लेशन को देखकर चीजें जो महंगी हो जाती है सर्विस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी मेजर चीजें अर्पित का खाने को तो हम तीस दिन ब्रेड बटर भी खा लेंगे पूरी पूरी सैलरी बच जाएगी ऑलमोस्ट हमारी लेकिन क्या सर्विसेज को अवॉइड कर सकते हैं क्या बिजली का बिल रेंट देना होता है बाइक में पेट्रोल भरवाना होता है इनको, इनको क्या अवॉइड कर सकते हैं क्या हम लोग नहीं ठीक है डेटा फ्रॉम सप्लाई यूज टेबल्स इसको यूज करना चाहिए टू बी यूज टू कंप्यूट एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पर पीपीआई को यूज करने के लिए ठीक है सप्लाई यूज टेबल्स का मतलब क्या होता है मतलब हमें डेटा फ्रॉम द प्रोडूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए अभी तक हम ऊपर कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बास्केट बनाते थे सप्लाई यूज टेबल का मतलब आप कंफ्यूज होते हो ना कि ये क्या वर्ड है बेसिकली ये चीज ये होती है कि प्रोड्यूसर्स के परस्पेक्टिव से हमें एक बास्केट बनानी पड़ेगी प्रोडक्शन के बेसिस पर ठीक है बेस ईयर जो है जो पीबीआई के लिए यूज होना चाहिए इस कमेटी ने बोला बी एन गोल्डर कमेटी ने दो हजार ग्यारह बारह होना चाहिए यहां पर हमें इंक्लूड करना चाहिए सर्विसेज को सर्विसेज के प्राइस को इन द पीपीआई बास्केट क्योंकि देखो ना सिर्फ कमोडिटीज के प्राइसेस नहीं जैसा कि अभी आपने बोला अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी घर का रेंट ये सब चीज़ों में भी तो स्कूल की फीस इन सब चीजों में भी तो जाता है पैसा उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट और मेजर इंपोर्ट आइटम्स को है उसको भी इंक्लूड करा जाए जब हम लोग पीपीआई को कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है तो उसके आइटम्स को भी चाहे वो मेजर आइटम्स हो चाहे माइनर आइटम्स हो दोनों को इंक्लूड करना चाहिए

पी की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए वॉट आर योर आर्ग्यूमेंट्स या ओपिनियन इन दिस रिकॉर्ड वॉट डू यू थिंक जो यूपीएससी का एक फेवरेट है बल्कि यूपीएससी से कंसिडर है भी नहीं बिल्कुल भी कि वॉट डू यू थिंक बल्कि तुम सोचोगे तो ठोकेगा यूपीएससी तुम्हें क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन तो मैटर तो करता ही नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर क्वेश्चन पूछे वॉट डू यू थिंक इन दिस रिकॉर्ड तो आपको अगर ये आंसर लिखना हो डब्लूपीआई को हटा करके हमें पीपीआई की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए तो पहले आपको डब्ल्यू की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी अगर आप उसको रोकना चाहते हो कि नहीं ठीक चल रहा है वो चल रहा है तो आपको ये बोलना चाहिए कि इसको ना लाकर हम डब्ल्यू के अंदर ये सारी चीज़ें ले आते हैं कि सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लेते हैं सर्विसेज की कॉस्ट को भी देख लेते हैं और पीपीआई क्यों लाना चाहिए फिर भी कि डब्ल्यू तो अब भाई ऐसा सड़ गया है ऐसा शरीर हो गया है कि कितना भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उसका कर लो वो मरेगा और हमें पीपीआई की जरूरत है तो आप ये नीचे वाले आर्ग्यूमेंट्स ये पेश कर सकते हो एडवांस इकोनॉमी शिफ्ट कर गई है और आईएमएफ रिकमेंड करता है तो इसके बेसिस पर आप अपना आंसर लिख सकते हो ओपिनियन बेस्ड आंसर्स जो होते हैं व्हाट डू यू थिंक अगर आपके पास जितना ज्यादा वजन होना आंसर में लिखने के लिए और वो वजन आता है फैक्ट से रिपोर्ट से संस्था जो सपोर्ट कर रही है उस आइडिया को उससे तो ये अगेन आपके ऊपर है इसमें मैं आपको बिल्कुल लिबर्टी दे रहा हूं डेट इधर यू कैन सपोर्ट डब्ल्यू और यू कैन सपोर्ट पीपीआई एक की धज्जियाँ उड़ाकर दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो लेकिन यू शुड हैव अ वजन इन योर आंसर यू शुड हैव अ वेट इन योर आंसर कि एक चीज को अगर आप डिसरिगार्ड कर रहे हो डिस्कार्ड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो पुराने वाले को रिप्लेस कर कर तो क्यों कर रहे हो फिर आप कमिटी वमिटी के बारे में भी लिख सकते हो कि उन्होंने ये बोला और इसको हमें कर देना चाहिए लेकिन सवाल तो बस यही आके अटक जाता है ना कि बच्चों को जब सीपीआई नहीं पता डब्ल्यू नहीं पता तो क्या पीपीआई और सी डब्ल्यू पी का घंटा कंपेरिजन करेंगे समझ में आई ये वाली चीज़ें सारी बताओ अच्छे से आ गया क्या क्या पीपीएम में क्या हाँ 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 हाँ, हाँ. ये बेसिकली प्रोड्यूसर है हाँ बोल। क्योंकि क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं बिल्कुल आपने सही बोला पेट्रोल का एग्जांपल लेकर के पेट्रोल भी एक तरीके से काइंड kind ऑफ of, जो इसकी प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में है हमारे घरों में तो तेल के कुएं हैं नहीं ठीक है इसको इसकी जो कॉस्ट अगर एक रुपए भी बढ़ती है तो एक बंदा अगर ऑब्वियसली बात है एक लीटर पेट्रोल तो डलवाएगा नहीं कि एक रुपए को वो भूल जाए मतलब वो करके अगर यही चीजें होती तो फिर ये जो मोबाइल वाले जो रिचार्ज जो कंपनियां हैं जैसे काइंड ऑफ ये सारी सारी टॉक टेम कंपनियां फिर ये हर महीने बढ़ा लें ऐसे तो पाँच पाँच दस दस रुपए अब हम कहें कि ये क्या हो गया पांच पाँच दस दस रुपए से ठीक है लेकिन उसका एक मेजर इंपैक्ट जो पेट्रोल और इन सारी चीजों का पड़ता है वो दो सौ करोड़ की आबादी पर पड़ता है हमारी देश पर है ना और ये चीजें जो कंट्रोल होती है ना जिसका इंपैक्ट जो डायरेक्टली निकलता है चीजों का सस्ता होना महंगा होना कुल मिलाकर अगर हम लोग बात बोले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की ये काफी ज्यादा चीजें फिर प्रोड्यूसर्स के कंट्रोल में आ जाती हैं है ना और डब्ल्यू पी आई के अंदर तो पहली बात है ना कि सर्विसेज को तो नजरअंदाजी ही करा जा रहा है टोटल तरीके से बास्केट बहुत अच्छी है डब्ल्यू पी आई की बास्केट गुड्स की बहुत अच्छी है लेकिन सर्विसेज का बहुत मेजर इंपैक्ट है और सर्विसेज का मेजर इंपैक्ट होने के अलावा सिर्फ कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से आप इन्फ्लेशन को नहीं समझ सकते ना आपको प्रोड्यूसर चाहिए आप इन्फ्लेशन को समझने के लिए क्योंकि कंज्यूमर्स तो वो है कि उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है लेकिन ये इंपैक्ट ला कौन रहा है तो उसके लिए तो ये है ना, है ना फैक्टर कि नहीं वो तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर आ गया ना वो तो डब्लू तो कि जो चीजें हो चुकी है उसका इंपैक्ट निकला है कंज्यूमर्स के ऊपर है ना लेकिन ये लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो यही हुआ ना फिर बताओ ये चीज है ओके किसी को कोई डाउट यहां पर अर्पित समझ में आ गया सब कुछ क्लियर है सबको क्लियर है जल्दी बताओ ओए मरे मरे नहीं बैठना जल्दी बताओ काली दू मैं तब मानोगे हाँ तो चलो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन